हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1857 की क्रांति से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी के सिलेबस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने निश्चित हैं। हम लोग ये घटना चक्र की बुक से देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम ये देख रहे हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था कब? तो इसको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में और 1857 में गदर हो गया। इसके पहले ब्राउन बेस राइफल हुआ करती थी, तो ब्राउन बेस को हटा करके इनफील्ड को शामिल किया जा रहा था। अगला पॉइंट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सबसे पहला और तुरंत का जो कारण था वह था अंग्रेजों को का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। सैनिकों को ये लगा कि जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं ये गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह फैला दी गई। अब सुअर जो कि मुस्लिम नहीं खाते हैं इसलिए उनके लिए धर्म में हस्तक्षेप लगा, और गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है इसलिए गाय की चर्बी हिंदुओं के धर्म में हस्तक्षेप लगी। इसलिए जो पहला कारण था वह अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनने का मेन कारण क्या था? तो इसमें देखिए क्या था, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, दूसरा जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, और तीसरा भत्ते की रोकथाम। ठीक, अगला पॉइंट, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी यह बैरकपुर में हुई थी, कोलकाता में। ठीक है, मंगल पांडे उस समय कोलकाता में थे, बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे जो सिपाही थे ये किस बटालियन के सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो थे ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। 34वीं, ये कई बार पूछा गया, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे कौन? मंगल पांडे। अगला पॉइंट, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो यह खिताब इन्होंने किसको दिया था? यह खिताब इन्होंने दिया था बख्त खान को। फिर 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, 1857 की क्रांति का जो प्रमुख मेन कारण था अब ये था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति और तत्कालिक कारण था धर्म में हस्तक्षेप। तो दोनों अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, तत्कालिक कारण पूछ रहा है या प्रमुख कारण पूछ रहा है। अगला पॉइंट, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी सबसे पहले मेरठ में। फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो यह सबसे पहली घटना इसमें क्या हुआ था कि सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गए थे, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 का संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी या कमल और चपाती। 1857 संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ पे अधिकार कर लिया था? तो वह था दिल्ली, और उनको दिल्ली पे अधिकार करना जरूरी भी था, ये दिखाना भी था कि हमने जो गदर है उसको शांत कर लिया, क्योंकि मेन तो हमारा दिल्ली ही था। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने दिल्ली को अपने अधिपत्य में मिलाया भी। चलिए, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? तो यह कहाँ है, ये बनारस में है यानी वाराणसी में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, यानी बरेली में किसने विद्रोह किया था? तो वहाँ पे किए थे खान बहादुर। देखिए फिर, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है यह ग्वालियर में है, जो कि एमपी में पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो अंतिम युद्ध में इसको सामना करना पड़ा था इनको ह्यूरोज का, ह्यूरोज और झांसी की रानी के बीच में युद्ध होता है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, वह कौन थी? ये थी बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल, और बाद में ये भाग के चली जाती है नेपाल, और कुछ समय बाद इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। अगला पॉइंट, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में 1857 का जो संग्राम हुआ था उनमें जो मेन आदमी कौन थे, मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ थी? वह थी अवध से। सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ से पार्टिसिपेट किए थे? तो अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। ठीक है, फिर पॉइंट, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर,
खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो ये थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को उनके ही फ्रेंड ने धोखा दे दिया और ये बंदी बना लिए गए और बाद में अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए। 1857 की क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे और इनके ही सहयोगी ने इनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण ये पकड़े गए और बाद में मार दिए गए। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह को एक प्रमुख नायक थे। ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये बिहार में थे। और बिहार में कहाँ से थे? तो बिहार में ये जगदीशपुर से थे। फिर देखिए, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए थे। कहाँ से? आरा से। ठीक है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह। फिर देखिए, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? असम में किसने इसके बागडोर संभाली थी? तो असम में संभाला था दीवान मानीराम दत्त ने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था। क्या? जगदीशपुर, जहां से कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कौन थे? ये वही हमारे कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह ही थे। अगला पॉइंट, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे? तो अंग्रेजों और जोधपुर की सेना, यानी जोधपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इसको किन्होंने पराजित कर दिया? तो ये थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से वह जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, जयपुर, यानी जयपुर में कोई भी क्रांति 1857 में नहीं हुई थी, बाकी अजमेर में, जयपुर में, नीमच में हुई थी। ठीक है ना, जयपुर में नहीं हुई, बाकी नीमच में हुई, आउवा में हुआ और अजमेर में हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था सादत खान ने। बाकी ये लोग तो थे ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद वगैरह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग तो थे ही नहीं। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदादुल्ला, मौलाना फजले हक, खैराबादी तथा नयाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसके इनके ऊपर अंग्रेजों ने उस समय 50,000 रुपये का इनाम लगाया था। ठीक है, अवध या फैजाबाद इनका ऑप्शन सही होता है कि ये कहाँ से थे, तो या तो फैजाबाद देता है या तो अवध देता है। 1857 के विद्रोह को देखने वाले जो उर्दू कवि थे वो कौन थे? तो मिर्जा गालिब, यानी मिर्जा गालिब जो है किस समय में थे? 1857 के समय में थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ है? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये आगरा के रहने वाले थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था किसने? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं है किसका? ऊधम सिंह का। ऊधम सिंह जो थे ये 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में थे और इनका भाई मर जाता है और इन्होंने ही जनरल डायर से बदला लिया था 1940 में जाकर के असेंबली में मारा था लंदन में। ठीक है, तो ऊधम सिंह 1919 से 1940 तक में हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाले जो राजवंश थे वो कौन थे? सबसे ज़्यादा सहायता किया था ग्वालियर के सिंधियाओं ने, तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से दूरी बनाए रखी। जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, इन लोगों ने 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किया। मजदूरों ने किया था, किसानों ने किया था, सिपाहियों ने किया था। ठीक, खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो साहूकार और जमींदारों ने नहीं लिया। ये लोग पैसे के चक्कर में पड़े रहे, बाकी कभी ये इनके अंदर देश की भावना आई ही नहीं। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था, तो ये चित्तौड़ था। ठीक है, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था मुंगेर। मुंगेर में 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। चलिए सुमिलित करना है तो बख्त खां जो है ये दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला ने अवध में या फैजाबाद में, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। इन लोगों ने 1857 के गदर में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हम लोग 1857 का गदर ही देख रहे हैं। फिर देखिए, झांसी की रानी जो थी ये
रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर से अजीमुल्ला खां थे और फैजाबाद से थे मौलवी अहमद शाह, ठीक है ना। और कानपुर से जो वहाँ पे थे वो नाना साहब भी थे, तात्या टोपे भी थे, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। फिर देखिए, नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से और मानीराम दत्त असम से, ठीक है। अगला पॉइंट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो उस समय जब 1857 का जो गदर होता है उसमें लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो वह बैरकपुर में जो ऑफिसर था, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर, वो थे जॉन बेनेट हैरसे। जॉन बेनेट हैरसे थे कहाँ पे? बैरकपुर में 1857 के समय उनके कमांडिंग ऑफिसर। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को मुख्यालय बना दिया था उस समय। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे बिस्कॉट पार्म स्टर्न। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, क्यों? क्योंकि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। तो देखिए, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जनरल जॉन निकल्सन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो जनरल नील लखनऊ में मरे, मेजर जनरल हैवलॉक भी लखनऊ में मरे और सर हेनरी लॉरेंस भी लखनऊ में ही मरे हैं, यानी नील, हैवलॉक एंड लॉरेंस। 1857 एक स्टेटमेंट है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ब्रिटिशों को भगाने में असफल रहा, क्यों? कारण दे रहा है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि कथन और कारण दोनों सही है, और कथन जो है कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है कारण। ये बात एकदम सही है कि उस समय जन सहयोग नहीं मिला और ज़्यादातर राजाओं ने साथ नहीं दिया बहादुर शाह जफर का। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा है? तो इसको सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा। अगला पॉइंट, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वह थे कौन? वीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? तो ये थे एसएन सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसएन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये याद रखिएगा, सैयद अहमद खां। सबसे पहले अगर 1857 के गदर के बारे में किसी ने लिखा है तो वो कौन है? सैयद अहमद खां। फिर देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन है आरसी मजूमदार से। आरसी मजूमदार ने इसको कहा था कि यह कोई पहला संग्राम नहीं था। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। फिर चलिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। ये महारानी का घोषणा पत्र था, ये याद रखिएगा। 1 नवंबर 1858 से जो यहाँ का जो था ये कौन हो गया? क्राउन हो गया, क्राउन के अंडर में चला गया भारत। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन जिस ब्रिटिश शासन ने पूरा किया वह क्या था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है ना। उन्होंने आश्वासन क्या दिया था कि जो रियासतों को हड़पने की नीति है, राज्य हड़प नीति, इसको खत्म कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। नेक्स्ट पॉइंट में है कि पब्लिक सर्विस आयोग
पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित कौन थे? तो पील आयोग। यानी 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपने आप को फिर से सुसज्जित करने के लिए जो आयोग बनाया था वह आयोग कौन सा था? वह आयोग था पील आयोग, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से किया था? गोरखा से किया था, सिख किया, पंजाबी किया, है ना, पंजाब के उत्तरी प्रांत से किया, ठीक है, यानी पंजाबी, सिख और गोरखे से किया। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो भी, ना अच्छी लगी हो तो भी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।